नागेश करज की ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसला थी आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। कक्षा सातवीं वसंत भाग दो, इसमें बच्चों पिछली तासिका में हम पाठ क्रमांक दो देख रहे थे जिसका नाम है दादी माँ तथा इसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह जी। पिछली तासिका में हमने यह देखा था कि दादी माँ जो है उनके व्यक्तित्व के बारे में हमने देखा था कि उनका व्यक्तित्व किस प्रकार से है, जैसे कि दुबला पतला शरीर, सफ़ेद किनार धोती तथा सन से यानी कि जूट से सफ़ेद बाल व उनके तांह से पानी की बूंदे के टपकने का जो दृश्य है उसका वर्णन या उसका जो चित्र है वह लेखक की आंखों के सामने आ जाता है, यहाँ हमने देखा था। आगे चलकर हमने दादी माँ जो है उनके स्वभाव के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और यह प्राप्त करने के लिए हमने दो प्रसंगों को देखा था, जैसे कि उनका स्नेह सिक्त जो भाव है, यह स्नेह सिक्त भाव हम जब लेखक बचपन में बीमार हो जाते हैं तो उस वक्त बार बार उनकी उनके माथे को छूना, पेट को छूना तथा पाँव को छूना, ज्वर का पता करना तथा दिन रात उनकी चारपाई के पास बैठे रहना, चबूतरों की मिट्टी लाकर उनके माथे पर लगाना, उनके मुंह में डालना, पीपल के छा से पानी छोंकना, वैद्य की दवाइयाँ देना तथा लेखक ही नहीं गांव का कोई भी सदस्य अगर बीमार हो जाता है तो उस वक्त उन्हें जो पूरी दवाइयाँ देने का जो कार्य है तथा इलाज बताने का जो कार्य है वह दादी माँ किया करती थी। इस प्रसंग से हमें दादी माँ के प्रति या दादी माँ के मन में दूसरों के प्रति होने वाला जो स्नेह है वह स्नेह दर्शाता है। दूसरा जो प्रसंग है उस दूसरे प्रसंग से दादी माँ में या उनकी वाणी में शासन की सी जो कठोरता है वह कठोरता हमें प्रतीत होती है और यह प्रतीत होने के लिए जो प्रसंग दिया है वह इस प्रकार से था कि दादी माँ का धनों पर बिगड़ना व उसे डांटना कि उनका ऋण जो है वह तुरंत सूद समेत चुकाया जाए। डांटते समय दादी माँ ने आंसुओं की परवाह न की, जैसे कि रामी चाची रो रही थी परंतु इसकी परवाह दादी माँ ने नहीं की थी, आदेश पूर्वक उनसे पैसे मांग रही थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी वाणी में शासन की कठोरता सी थी। अब देखिए इन दोनों प्रसंगों से हमें दादी माँ का स्नेह सिक्त भाव तथा उनकी वाणी में शासन की जो कठोरता है, शासन की सी जो कठोरता है, यह दोनों जो गुण हैं वह दोनों गुण हमें समझ में आते हैं। आगे चलकर यह होता है बच्चों कि दादी माँ जो है वह पर दुख पर कातर होना यानी कि जो परोपकार की जो भावना होती है वह उनके मन में किस प्रकार से है यह हमें अगले प्रसंग से पता चलता है। देखिए बच्चों, हमने यह देखा कि दादी माँ जो है वह रामी चाची पर काफ़ी बिगड़ रही थी और वह उन्हें कह रही थी कि सुत समेत उन्हें उनके पैसे लौटाने हैं, परंतु आगे चलकर रामी चाची उनसे विनती करती है, उन्हें कहती है कि उनकी बेटी का विवाह है और इस विवाह के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत है और वह क्या करेंगी, अगली फसल जब कटेगी तब उन्हें पैसे लौटा देगी। आगे चलकर वह दादी माँ से यह विनती करती है कि अगर वह मदद नहीं करेगी तो वह दया नहीं करेगी तो उनकी जो बेटी है उसका निस्तार यानी कि उसका उद्धार किस प्रकार से होगा, ऐसे रामी चाची दादी को कहती है। आगे देखिए, हट हट अभी नहा के आ रही हूं, दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, चल चल, चला है समझाने। अब देखिए दादी माँ जो है वह रामी चाची जो है उन्हें कहती है, उन्हें दूर भगाती है, उन्हें कहती है कि मैं अभी अभी नहा के आई हूँ और तुम मेरे नज़दीक मत आना, तुम मेरे समीप ना आना। दादी माँ रामी चाची को दूर करती है। जब यह अप्रिय जो प्रसंग है, अप्रिय प्रसंग, अप्रिय यानी कि क्या बच्चों, जी हाँ, अप्रिय अर्थात जो हमें पसंद नहीं है, चाहे वो व्यक्ति हो सकती है, चाहे वो घटना हो सकती है या कोई वस्तु हो सकती है अप्रिय, ठीक है, जो हमें पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पर जो घटना है वह घटना की दादी माँ रामी चाची को अपने से दूर कर रही है या दूर जाने के लिए कह रही है। तो
तो लेखक जो है वह कहते हैं, वह दादी माँ को समझाने की कोशिश करते हैं कि दादी माँ आप रुकिए, बेचारी वह क्या है, गरीब है। कौन गरीब है? जी हाँ, रामी चाची गरीब है और वह क्या करेगी, आपके पैसे आपको लौटा देगी। लेखक जब उन्हें ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं तो दादी माँ उल्टा लेखक पर ही बिगड़ जाती है और लेखक को कहती है, चल चल बड़ा आया तू मुझे समझाने वाला। उसी वक्त लेखक चुपके से क्या करते हैं, अपने आंगन की ओर चले जाते हैं। इस प्रसंग के कई बाद कई दिन बीत जाते हैं। लेखक इस प्रसंग को एकदम से भूल से जाते हैं। काफी दिन बीतने के बाद वह क्या करते हैं, इस प्रसंग को भूल जाते हैं। जैसे कि आप और मैं, हम भी कुछ अप्रिय घटनाएं घटित होती हैं तो कालांतर से हम क्या करते हैं, उन घटनाओं को भूल जाते हैं। वह घटनाएं हमारे दिमाग में नहीं रहती या हमें हमारी सोच में नहीं रहती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हो जाता है कि यह जो अप्रिय घटना है जो घटित हो चुकी थी वह लेखक को याद नहीं रहती है। कई दिन बीत जाने के बाद लेखक इस घटना को भूल जाते हैं। एक दिन ऐसा हो जाता है कि रास्ते में ही उन्हें क्या हो जाता है कि रामी चाची मिल जाती है। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। अब देखिए यहाँ जो रामी चाची है वह जब लेखक को मिलती है तो वह दादी माँ के बारे में बड़ा भूला कहने से पहले वह क्या करती है, दादी माँ के बारे में अच्छे शब्द उच्चारती है, वह उन्हें आशीर्वाद देती है। और यह सारा देखकर लेखक जो है वह मन ही मन में हैरान हो जाते हैं और वह यह सोचने लगते हैं कि क्या बात है धन्नो चाची कि दादी माँ ने उन्हें काफी डांटा था पैसों को लेकर, उन्हें अपने नजदीक भी नहीं आने दिया था, उन्होंने दादी माँ ने रामी चाची को दूर किया था। यह जो अप्रिय घटना घटी थी, इस अप्रिय घटना के बाद भी धन्नो चाची यह जो रामी चाची है वह क्या कर रही है, दादी के बारे में अच्छे शब्द बोल रही है, उन्हें आशीर्वाद दे रही है। यह सारा देखकर यह जो लेखक है वह जो है वह रामी चाची को पूछते हैं, क्या बात है धन्नो चाची? तो उन्होंने विहल होकर उन्होंने क्या किया, विहल होकर यानी कि घबरा कर कहा, उरिन हो गई बेटा। अब देखिए उरिन होना, उरिन यानी कि ऋण से मुक्त होना, उनके ऊपर जो पैसों का लिया हुआ ऋण था उस ऋण से यह क्या हो चुकी थी धन्नो चाची, मुक्त हो चुकी थी, यानी कि उनके ऊपर कोई अभी ऋण नहीं रहा था। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। अब देखिए आगे चलकर वह कहती है कि भगवान क्या करे, भला करे हमारी मालकिन का, हमारी मालकिन का यानी कि दादी माँ का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। अब देखिए दादी माँ के मन में दूसरों के प्रति कितनी स्नेह भावना है, वह दूसरों का कितना ख्याल रखती है। वह रामी धन्नो चाची के पास जाती हैं और उनसे विहल होकर कहती है, विहल होकर यानी कि घबरा कर, जो धन्नो चाची से जब लेखक पूछता है कि क्या बात है कि तुम दादी के बारे में इतने अच्छे शब्द बोल रही हो, तो वह घबराती है, विहल यानी कि घबरा कर, घबराना, वह विहल होती है, घबराती है और कहती है कि मेरे ऊपर जो ऋण था वह सारा ऋण क्या हो गया, माफ हो गया, या मैं उस ऋण से मुक्त हो गई, यानी कि अब मेरे ऊपर कोई ऋण नहीं है। भगवान क्या करे तुम्हारी जो दादी माँ है यानी कि हमारी जो मालकिन है उनका भला करे। आगे चलकर वह बताती है कि कल ही वह क्या कर रही थी, मेरे घर आई थी या मेरे पास आई थी और पिछला जो भी जितना भी रुपया है वह सारा रुपया उन्होंने क्या किया है, छोड़ दिया है यानी कि माफ कर दिया है, और ऊपर से उन्होंने क्या किया है कि 10 रुपए का नोट भी मुझे दिया है और 10 रुपए का नोट मुझे देकर उन्होंने बोला है कि देखो धन्नो जैसे तुम्हारी बेटी है वैसी ही वह क्या है, मेरी भी बेटी है, और पैसों के लिए हमारी हसाई ना हो कि पैसे कम पड़ गए इसलिए शादी में कोई रुकावट ना आए, इसीलिए वह कहती है कि 5-10 रुपए के लिए हसाई न हो। आगे चलकर दादी माँ यह बताती है कि देवता है बेटा देवता, यानी कि उनका जो भी होने वाला जमाई है उसे दादी माँ कहती है कि वह लड़का क्या है, काफी अच्छा है बेटा, कैसा है, देवता है। उस रोज से बहुत डांट रही थी मैंने पूछा, तो लेखक कहते कि उस रोज तो दादी माँ तुम्हें बहुत डांट रही थी, वह तो
बड़े लोगों का काम है बाबू रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैंने मन ही मन में इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ता चला गया। अब देखिए मजाक मजाक में लेखक ने पूछा कि उस दिन तो दादी माँ तुमको काफी डांट रही थी, तब तो तुम रो रही थी। तो वह कहती है कि वह तो क्या है, बड़े लोग हैं और बड़े लोग पैसे देंगे तो डांटेंगे भी, अगर वह डांटेंगे नहीं तो क्या लाभ, यानी कि क्या फायदा। तो देखिए दादी माँ ने उनकी इतनी मदद की इसलिए वह दादी माँ के प्रति अच्छे शब्द उच्चारित कर रही है। आगे चलकर लेखक जो है यह जो तर्क है इस तर्क को लेकर, यानी कि यह जो विचार है इस विचार को लेकर वह हंसने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तर्क अर्थात विचार। तो यह जो सारा विचार है इस विचार पर हंसते हुए लेखक क्या करते हैं, आगे चले जाते हैं। जब यह किशन भैया हैं उनके विवाह के जो दिन थे उन दिनों में भी कुछ घटनाएं घटित हुई थी, तो वह जो घटनाएं क्या थी यह लेखक क्या कर रहे हैं हमें आगे चलकर बता रहे हैं। और इन प्रसंगों से हमें दादी का जो हसमुख तथा जो सरल स्वभाव है इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए किशन के विवाह के दिनों की बात है ऐसा लेखक हमें बताते हैं। और लेखक यह भी बताते हैं कि विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें क्या कर रही थी, रात रात भर गीत गा रही थी। विवाह है तो विवाह के समय अनेक कार्यक्रमों का या अनेक समारोहों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि हल्दी का समारोह होता है, ऐसे अनेक प्रकार के समारोहों का आयोजन, संगीत का समारोह होता है किया जाता है। तो उन दिनों यह जो घर की जो सारी औरतें हैं वह क्या करती थी, रात रात भर गीत गाती थी। विवाह की रात भी वह क्या कर रही थी, अभिनय कर रही थी। अभिनय करना यानी कि नाटक, अभिनय यानी नाटक। तो वह नाटक भी कर रही थी, नाटक भी होता था उन दिनों में। देखिए विवाह के समय में यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता था। अब देखिए प्रायः यह जो नाटक होता था इसमें क्या किया जाता था, एक कथा को पूर्ण रूप से दर्शाया जाता था। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोक्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे। अब देखिए यह जो नाटक होता था इस नाटक में विवाह से लेकर जो पुत्रोत्पत्ति है, पुत्रोत्पत्ति यानी अर्थात पुत्र का पैदा होना, पुत्रोत्पत्ति अर्थात पुत्र का पैदा होना, तो विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक जितने भी सारे प्रसंग हैं उन सारे प्रसंगों को, सारे दृश्यों को क्या किया जाता था, इस नाटक में दिखाया जाता है। और इस नाटक में होने वाले सभी जो पात्र हैं वह सभी पात्र औरतें ही करती थी। लेखक बीमार होने के कारण बारात में जा न सके थे और उनका जो ममेरा भाई है, यानी कि उनके मामा का जो लड़का है, लेखक का जो ममेरा भाई है राघव, वह दालान में सो रहा था। अब दालान यानी कि क्या बच्चों, जी हाँ दालान यानी कि आंगन, हमारे घर के बाहर जो खुली जगह होती है या जो खुला मैदान होता है उसे आंगन कहा जाता है। हर एक व्यक्ति के या हर एक बच्चों आप लोगों के घर के बाहर भी जो खुली जगह होती है उसे हम आंगन कहते हैं। तो यह जो उनका ममेरा भाई है राघव वह भी क्या कर रहा था, दालान में यानी कि आंगन में सो रहा था। वह भी बारात में जाने के बारात जाने के बाद पहुंचा था, इसलिए वह भी बारात में नहीं जा सका। तो इन दोनों की वजह से जो औरतें थी सारी वह क्या कर रही थी, उनको आपत्ति हो रही थी कि यह दोनों क्या है घर में है। अब देखिए यह जो सारी अभिनय होता था, यह सारी औरतें मिलकर जो नाटक करती थी वह उस जगह पर सारी औरतें ही थी, कोई आदमी या कोई इंसान नहीं था। इसलिए लेखक और उनका जो ममेरा भाई है इन दोनों को लेकर इन औरतों ने अपनी आपत्ति दर्शाई। इस बात को लेकर दादी माँ काफी बिगड़ गई। उन्होंने कहा कि लड़कों से क्या पर्दा करना है। अब देखिए दादी माँ जो है वह चिढ़ जाती है और वह करती कहती है कि यहाँ तो लड़के हैं और इनसे क्या पर्दा करना है, लड़के और वर्मा का मन एक सा होता है। अब देखिए दादी माँ जो है वह सबको डांटती है इस बात को लेकर कि इन लड़कों से तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, इन पर क्यों आपत्ति दिखा रहे हो। तब मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया, ऐसे लेखक बताते हैं कि अब इन लड़कों को इतनी रात
देर रात होने के कारण घर से बाहर तो नहीं निकाल सकते, इसलिए दादी माँ क्या करती है, लेखक को भी क्या करती है, वही चारपाई पर चादर उड़ाकर सुला देती है। बड़ी हंसी आ रही थी जब वह अभिनय कर रहे थे, तो उस अभिनय को देखकर लेखक को बड़ी हंसी आ रही थी। और लेखक कई बार यह सोचते भी हैं कि अब मैं क्या कर दूं, हंस दूं, कई जोर से हंसना दूं, यह भी सोचते थे लेखक। भेद खुल जाएगा तो निकल कर बाहर किया जाऊंगा। अब देखिए लेखक को यह भी डर है कि भेद खुल जाएगा तो, भेद यानी कि रहस्य, भेद अर्थात रहस्य। पेंसिल से अधो रेखांकित कीजिए बच्चों उसे, भेद अर्थात रहस्य। लेखक को यह भी डर था अगर उनका जो रहस्य है कि वह वहां पर सोए नहीं, वह जागे हैं और वह यह सारा अभिनय देख रहे हैं, तो उनका जो भेद है, उनका जो रहस्य है, वह अगर सबके सामने खुल गया कि वह जगे हैं और वह अभिनय देख रहे हैं, तो उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा सोचकर लेखक चुप थे, परंतु जो भाभी हैं उनकी बात पर लेखक अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाते और वह जोर से हंसने लगते हैं, और इसी बात पर उनका क्या हो जाता है, भांडा फूट जाता है। यानी कि सबको पता चल जाता है कि ये लोग सोए नहीं हैं, तो ये चद्दर के अंदर से क्या कर रहे हैं, छुपकर हमारा अभिनय देख रहे हैं। देवू की माँ ने चद्दर खींच ली। अब देखिए जब लेखक जोर से हंस पड़ते हैं तो जो देवू की माँ होती है वह क्या करती है कि उनकी जो चद्दर है वह जोर से खींच लेती है। कहा दादी यह कौन बच्चा सोया है, और देवू की माँ जो है वह दादी से प्रश्न पूछती है कि देखो दादी यह जो बच्चा है, यह बच्चा कौन सोया हुआ है, बल्कि यहाँ पर तो औरतों के सिवा किसी को प्रवेश ही नहीं था, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दो। अब वह मजाक से कहती है कि यह बच्चा क्या कर रहा है, बेचारा रो रहा है, तो इसे क्या करो, दूध पिला दो। तो हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ इस बात से लेकर काफी बिगड़ जाती है और लड़के से क्या कहने लगती है। अब देखिए दादी माँ काफी बिगड़ी है, वह कहती है सबको कि लड़की को क्यों तुम लोग बोल रहे हो। दूसरे दिन सुबह रास्ते में क्या हो जाता है कि लेखक को देबू की माँ मिल जाती है। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहां से जोर से भागा और दादी के पास जाकर खड़ा हुआ। जब रास्ते में देबू की माँ मिलती है तो वह भाभी से कहती है कि भाभी ये देखो कल वाला लड़का है कि जो चारपाई पर लेटा था और छुपे छुपे हमारा अभिनय, हमारे नाटक देख रहा था। तो उसी वक्त जो लेखक है वह लेखक भागते 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 क्या करते हैं, दादी माँ के पास जाते हैं और उनके पीछे छुप जाते हैं। देखो बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप घर में हो और आपसे कोई गलती हो जाती है और आपके माता पिता आपको डांट रहे हैं उस गलती पर, तो आप क्या करते हो, भागते भागते जाते हो और अपने दादा के पीछे या अपनी दादी के पीछे छुप जाते हो। क्यों? क्योंकि दादा और दादी जो है वह आपको माता पिता की डांट से बचाते हैं। आपको पता चलता है कि अगर दादा और दादी बीच में बोलेंगे तो माता पिता आपके कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार यह लेखक जो है वह भी क्या करते हैं, उनकी जो दादी है उनके पीछे जाकर छुप जाते हैं और वहीं पर क्या हो, वह अपनी दादी माँ के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो अभयदान मिल जाता है। अभयदान यानी कि क्या बच्चों? अभयदान यानी कि निर्भीकता प्रदान करना, यानी कि हमें वहां जाने के बाद कोई डर नहीं होता है। तो यह जो लेखक है वह लेखक बताते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, हमसे कोई अपराध हो जाता है, तो उसी वक्त हम क्या करते हैं, दादी माँ की छाया में जाकर खड़े हो जाते हैं, ताकि उस पर हमें जो डांट मिलने वाली है, हमें जो मार मिलने वाली है, हमें जो सजा मिलने वाली है, उससे हम बच जाते हैं। दादी माँ के पास जाकर खड़े होते ही या उनकी छाया में अगर हम खड़े हो जाते हैं तो हमें वहां पर क्या मिल जाता है, अभयदान मिल जाता है। अभयदान यानी कि निर्भीकता हमें वहां पर प्रदान हो जाती है। आगे चलकर उन्होंने बताया है, स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। अब देखिए जब लेखक के हाथों में दादी माँ के गुजर जाने का पत्र है, उसे पढ़कर लेखक हैरान है, स्तब्ध है। तो उन्हें यह जो दादी माँ के साथ उन्होंने जो वक्त बिताया है, समय बिताया है, वह सारी घटनाएं घटना चक्र के चलचित्र के समान उनकी आंखों के सामने आ रही है। और लेखक बताते हैं स्नेह और ममता की जो मूर्ति है, जिनके मन में दया भाव है, करुण भाव है, ऐसी जो दादी माँ है उनकी एक एक बातें जो है वह बातें सारी लेखक को कैसी कैसी प्रतीत हो रही है, वह सारी घटनाएं उनके मन में हलचल मचा रही है, ऐसा लेखक बता रहे हैं।
परिस्थितियों का वात्य चक्र। बच्चों वात्य चक्र अर्थात घटनाक्रम, वात्य चक्र अर्थात घटनाक्रम। परिस्थितियों का जो वात्य चक्र है जीवन के सूखे पत्तों सा कैसे नाचता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। जैसे कि हम बताते हैं कि दिन के बाद रात होती है, सुख के बाद जीवन में दुख होता है, बुराई का अंत होने के बाद अच्छाई आती है, ठीक उसी प्रकार जो हालात होते हैं, जो परिस्थिति होती है बच्चों, वह हर दिन एक जैसी नहीं होती है, परिस्थिति में भी बदलाव आते जाते हैं। आज परिस्थिति काफी अच्छी है, कल वह बिगड़ भी सकती है। कल अगर परिस्थिति बिगड़ गई तो परसों परिस्थिति अच्छी भी हो सकती है। यह घटनाक्रम है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो लेखक हमें यह बताते हैं कि यह जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति के जो वात्य चक्र है यानी कि जो घटनाक्रम है, वह जीवन में सूखे पत्तों के जैसे नाचने लगता है। कभी अच्छाई आती है तो कभी बुराई आती है, कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है। यह घटनाक्रम है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। और यह जो घटनाक्रम है, यह जो वात्य चक्र है परिस्थिति का, वह सूखे पत्तों की तरह होता है। और वह किस प्रकार से हमारे जीवन में आता है, इस बात को दादी माँ जो है वह भली भांति जानती है, ऐसा लेखक कहते हैं। लेखक जो है वह आगे चलकर और एक घटनाक्रम हमें बताते हैं कि जो दादी माँ के साथ उन्होंने अनुभवित किया है, और इससे हमें बड़ों का जो दायित्व है वह, और भविष्य की जो चिंता है वह दादी माँ को किस प्रकार से थी, उनके स्वभाव में वह किस प्रकार से झलकती थी, यह हमें पता चलेगा। जब उनके दादा की मृत्यु हो गई थी, जब दादाजी की मृत्यु हो चुकी थी, तो उनकी मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी। देखिए आमतौर पर भी अगर देखा जाए तो घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम काफ़ी दुख महसूस करते हैं, हम उदास हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो दादा है, दादा की मृत्यु के पश्चात जो दादी है वह काफ़ी उदास रहती थी, उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था, उन्हें ऐसा लगता था कि यह जो पूरा संसार है, यह जो पूरा विश्व है, वह उनके लिए एक धोखे के समान महसूस होता था। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, अब देखिए दादा ने उन्हें क्या धोखा दिया था कि वह दादी को पीछे छोड़कर स्वयं परलोक सिधार गए थे। किसी की मृत्यु कब लिखी है, वह कब होगी, यह किसी को पता नहीं होता है, परंतु दादी को ऐसा लगता था कि दादा ने उन्हें धोखा दिया है कि वह दादी को पृथ्वी पर छोड़कर खुद परलोक सिधार गए, यानी कि उन्होंने मृत्यु को प्राप्त कर लिया। दादी ने इस बात को काफी अपने मन से लगा लिया था। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठ बातें करते रहते थे। अब देखिए दादी यह कहती हैं कि दादा ने उन्हें यानी कि दादी को हमेशा यह कहा था कि वह उसे आगे भेजेंगे, यानी कि पहले दादी की मृत्यु के पश्चात दादा की मृत्यु होगी, ऐसे हमेशा दादा उन्हें चिढ़ाते थे, परंतु यह सारी झूठी बातें उन्होंने की, ऐसा दादी को लग रहा था। दादा के मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डाव डोल कर दी थी। अब देखिए उनकी जो परिस्थिति है वह परिस्थिति काफी बिगड़ गई थी या बिगड़ रही थी। उन्हें ऐसा लगता था कि दादा के मृत्यु के पश्चात जो कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाला मुंह में राम और बगल में छुरी वाले जो दोस्त हैं, जो हमारे मुंह पे अच्छा बोलते हैं और पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, उनकी शुभचिंता ने स्थिति और भी डाउन डोल कर दी थी, यानी कि परिस्थिति और भी बिगाड़ दी थी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। अब देखिए बच्चों श्राद्ध यानी कि क्या, श्राद्ध यानी कि एक विधि होता है जो पूर्वजों के लिए किया जाने वाला कृत्य होता है। श्राद्ध अर्थात पूर्वजों के लिए किया जाने वाला कृत्य। तो लेखक यहाँ बताते हैं कि दादा का जो श्राद्ध हुआ था, श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी उनके पिताजी ने क्या की थी, अतुल यानी कि बहुत अधिक संपत्ति यानी कि धन दौलत और व्यय अर्थात खर्च करना, उन्होंने काफी सारी संपत्ति खर्च की थी
तो वह तो घर की तो नहीं थी, ऐसा वह कहते। दादी माँ अक्सर उदास रहती थी, दादा को लेकर दादी माँ हमेशा उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कौन से दिन थे? माघ के दिन थे। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुए का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। अब देखिए, अतुल यानी कि बहुत अधिक, पछुआ यानी कि पश्चिम से बहने वाली जो हवाएं हैं वह, पाला अर्थात ठंड, स्नेह पूर्व अर्थात प्रेम से भरी हुई। तो लेखक ने यहाँ बताया है कि कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, जाड़ा यानी कि सर्दी पड़ रही थी, और पछुए की यानी कि पश्चिम की ओर से आने वाली जो हवा है वह, उस हवाओं की जो सन्नाटे है वह, और पाले पाले यानी कि जो ठंड है, उस ठंड से जो हमारी हड्डियां है वह, वह जो हड्डियां है उन हड्डियों को भी यह जो ठंडी हवा है वह महसूस हो रही थी, यानी कि इतनी ठंडक है उन दिनों में, ऐसे लेखक हमें बता रहे हैं। शाम को एक बार लेखक देखते हैं कि दादी माँ गीली धोती पहनकर यानी कि गीली साड़ी पहनकर कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। अब देखिए, संदूक यानी कि अटैची, संदूक यानी कि अटैची। तो एक दिन लेखक ने यहाँ देखा कि उनकी जो दादी माँ है वह दादी माँ क्या कर रही है, हाथ जोड़कर बैठी है, परंतु वह कैसी बैठी है कि उन्होंने गीली धोती यानी कि गीली साड़ी पहनी है और कोने वाले घर में एक संदूक पर उन्होंने क्या किया है, दिया जलाया है, और ऐसी अवस्था में वह हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी जो स्नेह कातर आँखें हैं, उनकी जो स्नेह कातर आँखें हैं, उन आँखों में से आंसू कभी लेखक ने नहीं देखे थे। लेखक कहते हैं कि उनकी जो स्नेह कातर आंखें हैं उन आंखों में उन्होंने कभी आंसू नहीं देखे थे। लेखक कहते हैं कि बहुत देर तक मन मारे उनके पास वह क्या करते हैं, बैठे रहते हैं। उनकी आंखों में खोली, दादी माँ मैंने धीरे से कहा, देखिए लेखक धीरे से कहते हैं कि दादी माँ, उनकी अवस्था देखकर लेखक को रहा नहीं जाता और वह लेखक दादी माँ को पुकारते हैं धीरे आवाज में, वह बोलते हैं कि दादी माँ। दादी माँ झट से कहती हैं, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? जब लेखक की आवाज़ सुनती है तो दादी माँ उन्हें कहती है कि क्या है रे, तू यहाँ पर क्यों बैठा है? तो दादी माँ, एक बात पूछूँ, बताओगी ना? लेखक जो है वह दादी माँ से कहते हैं कि मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ, आप उसका उत्तर दोगे? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। लेखक कहते हैं कि मैंने क्या किया, उनकी जो स्नेहपूर्ण आँखें हैं, उस स्नेहपूर्ण यानी कि प्रेम से भरी हुई जो उनकी आंखें हैं उनकी ओर देखा और मैंने उनसे कहा कि अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं तो उसके उत्तर आप मुझे दोगी ना? क्या है, पूछ। दादी माँ तुरंत कहती हैं कि तुम्हारे मन में जो भी सवाल है वह सवाल तुम क्या करो, मुझे पूछो। तुम रोती थी? लेखक प्रश्न पूछता है कि दादी माँ तुम रोती थी, तुम कभी रोई हो? तो दादी माँ उसी वक्त तुरंत मुस्कुराती है और लेखक से कहती है कि पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। तो देखिए, जब लेखक सवाल पूछते हैं कि दादी माँ तुम रोती थी, तो इस प्रश्न से दादी माँ बौखला जाती है और वह तुरंत मुस्कुराने लगती है। मुस्कुराकर वह लेखक को कहती है कि पागल, तूने अभी खाना नहीं खाया ना, चल चल। तो देखिए, लेखक ने जो सवाल पूछा है उस सवाल का जवाब दादी माँ सोच ही नहीं पाती कि वह क्या जवाब दे, और इसीलिए दादी माँ क्या करती है, विषयांतर करती है, वह क्या करती है, लेखक का मन दूसरी ओर ले लेती है और वह लेखक से कहती है कि तूने अभी तक क्या नहीं किया है, खाना नहीं खाया है। और दादी माँ कहती है कि चल चल, दादी माँ कहती है कि चल चल, मैं तुम्हें क्या करती हूँ, खाना खिलाती हूँ। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। अब देखिए, लेखक ने यह देखा था कि गीली धोती पहनकर दादी माँ दिया जलाए हाथ जोड़कर वहां बैठी हैं। लेखक को यह बात पता थी, लेकिन दादी माँ अपने ही विचार में, अपनी ही सोच में थी, तो उनको यह बात याद नहीं आई कि उन्होंने क्या की है, गीली धोती पहनी है। तो तभी लेखक कहते हैं कि दादी माँ तुम क्या कर लो, पहले अपनी जो धोती है उस धोती को तो बदल लो। देखिए, दादी माँ अपने परिवार की चिंता करती हैं और लेखक दादी माँ की चिंता करते हैं।
दादी माँ को यह भी याद नहीं रहता, वह अपने विचार में ही मग्न रहती है कि उन्होंने गीली धोती पहनी है। तो लेखक को जब दादी माँ कहती है कि चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, तो तुरंत लेखक कहते हैं कि दादी माँ तुम्हारी जो गीली धोती है वह तो तुम क्या कर लो, बदल लो। बच्चों आज के इस पाठ में हमने जो भी पढ़ा है आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। पाठ का अगला हिस्सा जो है वह हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।